रात पानीपत की जीआरपी पुलिस को सूचना मिली कि पानीपत के लघु सचिवालय के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा है, जिसकी सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। वही युवक की जेब की तलाश लेने पर आधार कार्ड से युवक की पहचान कोंदर गांव निवासी काल्पनिक नाम सुशील के रूप में हुई। परिजनों को जीआरपी ने सूचना देकर बुलाया व शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। आज पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि राजेश करनाल के सामान्य अस्पताल में सफाई का काम करता था और पानीपत में अपने रिश्तेदार से मिलने आया था। देर रात तक भी उसका फोन ना मिलने पर परिजन परेशान थे। जीआरपी ने उन्हें सूचना देकर मामले की जानकारी दी। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन? मैं कॉल कर रहा था कि भैया अभी तक घर नहीं आया, शाम तो मैं उसका फोन बंद आ रहा था, 6 बजे से मिला रहा था। उसके बाद ये कोई 8:30 बजे के लगभग फोन ऑन होया, ऐसा हिसाब था उसने, उससे पता लगा। किस टाइम से निकला था ये घर से? मैं सुबह रोज ड्यूटी पे जाता है 6 बजे। कल 6 बजे निकला था? हाँ जी। आपको कब पता चला ये? रात को 8:30 बजे। 8:30 बजे क्या काम करता था? ये सफाई कर्मचारी था जी, सिविल हॉस्पिटल करनाल। करनाल में कितनी उम्र का है? ये 30-35 साल का। 40 साल? हाँ जी। बच्चे? 2 लड़कियाँ जी। लड़कियाँ हैं? हाँ जी। रात को करीब 7:30 बजे स्टेशन मास्टर पानीपत से सूचना मिली थी कि भी एक अननोन व्यक्ति रेलगाड़ी की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो मौके पर कार्रवाई आए, जो मौके पर कार्रवाई सचिवालय सीआरपीसी अमल में लाई गई और शनाख्त के प्रयास करके वारिसानों को मौके पर बुलाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराकर वो वारिसानों के हवाले किया जाए। सर क्या नाम है और कितनी उम्र है और कहाँ का था ये? ये राजेश कुमार सनोव धर्म सिंह है, जाति हरिजन गांव गोंदर का रहने वाला है और थाना निशिंग जिला पानीपत, और ये अपनी रिश्तेदारी में किसी से मिलने आया था। मिनी सेक्रेटरेट के पीछे रेलगाड़ी की चपेट में आने से दुर्घटना। कहाँ हुआ सर ये हादसा? कि मिनी सेक्रेटरेट के पीछे किलोमीटर नंबर 90 है, वहाँ पे हरिनगर कॉलोनी के पास। आज प्रकाश के लिए पानीपत से मदन परेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।